हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया का ट्रिप वीडियो यहाँ शेयर कर रही हूँ। अंत में ऑडियो विजुअल लेज़र शो दिखा रही हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। और अब तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या नए हो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम वडोदरा ट्रेन पे पहुँचे, बाद में सुबह वहाँ से बस में केवड़िया पहुँचे हम। एक्चुअली मॉर्निंग 5:40 का एक ट्रेन है केवड़िया जाने के लिए वडोदरा से, वो ट्रेन हमें मिस हो गया, इसीलिए हम बाई बस वहाँ पहुँचे। हम ऑनलाइन पे एक होम स्टे में एकोमोडेशन के लिए बुकिंग किए थे, वहाँ जाके फ्रेश होके हम बाई ऑटो भारत भवन पहुँचे। भारत भवन एक पिकअप पॉइंट है स्टैचू लोकेशन के लिए, या कोई भी स्टैचू रिलेटेड पिकनिक स्पॉट जाने के लिए। वहीं से एसी बसेस बहुत होते हैं, हर 5-10 मिनट में एक एक बस है। यो जो भी टिकट की हो उसके लिए वो फ्री है, तो हमें टिकट दिखाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ हम अभी भारत भवन से उसी एसी बस में स्टैचू के लोकेशन जा रहे हैं। ये स्टैचू का पीछे पोर्शन है, बाजू में आपको नर्मदा रिवर दिख रहा है। देखिए हम वहाँ पहुँच गए। ये बस स्टेशन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का बस स्टॉप है ये। यहाँ ऑटो भी अवेलेबल है, टैक्सी भी अवेलेबल है बाहर जाने के लिए, केवड़िया के अदर प्लेसेस जाने के लिए। ये स्टैचू के जो एरिया है वहाँ जा रहे हैं। पूरा का पूरा शेड है, गर्मी बहुत था फिर भी हमें वो धूप नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा ऐसे अरेंज की है। अभी स्टैचू का बेस आ गए हैं। मैं यहाँ स्टैचू का लंबाई, स्टैचू कब शुरू किया, कितना टाइम लगा करने में, वो कुछ नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो सब आपको ऑनलाइन में मिलेगा। देखिए ये स्टैचू के नीचे का जो बिल्डिंग है उसी म्यूज़ियम में हम आ रहे हैं। 3 टाइप का टिकट है, 150 रुपीज़ के टिकट में सिर्फ स्टैचू और ये म्यूज़ियम देखने मिलेगा। 380 और 1000 का टिकट में आपको व्यूविंग गैलरी भी मिलेगा। 1000 का टिकट में आपको क्यू में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा एक्सप्रेस एंट्री होगा। हम वो ले लिए थे तो आसान हो गया हमें। देखिए ये सब शो म्यूज़ियम के अंदर चलता रहेगा। यहाँ प्लेज करने के लिए एक स्क्रीन है, अपने डिटेल्स वहाँ भरना है। बाद में टेम्पलेट्स को कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके सबमिट करना है, तो ऐसे स्क्रीन पे आएगा वो। अभी हम गैलरी व्यू करने के लिए जा रहे हैं। 153 फीट को सिर्फ 38 सेकेंड में लिफ्ट हमें यहाँ लेके आएगा। ये नर्मदा सरोवर और नर्मदा रिवर है, और ये गैलरी पोर्शन उनका चेस्ट का पोर्शन है, और ये ऊपर से कोट का सेकेंड बटन है। ये सब नीचे का पोर्शन है स्टैचू का। अभी हम म्यूज़ियम से बाहर आके ऊपर आ गए हैं। एस्केलेटर्स भी है, स्टेप्स भी है। आप ही देखिए कैसा दिख रहा है स्टैचू। ये नर्मदा रिवर है, बोलते हैं ना उनका सोच था नर्मदा सरोवर, इसीलिए उनका फेस नर्मदा डैम को देख रहा है, मतलब उनका दृष्टि सरोवर पे है। उनके फुट के सामने हम खड़े होंगे तो कितने तक आएंगे हम, वो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा है स्टैचू। ये उनका चप्पल का एक थ्रेड है, वो भी इतना मोटा है, तो ये बातों में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते देख के ही।
फील करना होता है, इसलिए हर एक इंडियन को ये स्टैचू देखना ही है। इसी के साथ हमें नर्मदा सरोवर और वैली ऑफ फ्लावर्स का देखना फ्री है, उस वहाँ जाने के लिए बस सर्विस भी है। ये स्टैचू देखने के लिए, लेज़र शो देखने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, वो फूड कोर्ट के सामने है। इसके साथ बहुत अट्रैक्टिव वो कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, ऐसे सब कुछ है, उसके लिए अलग सा टिकट लेना पड़ता है, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। इसीलिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखिए, खलवानी झरवानी बोलते हैं उसको। अभी लेज़र शो आपको दिखाई देगा, वीडियो अंत तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लेज़र शो को एंजॉय कीजिए। चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नड़ियाल से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेरबाई से। दो बच्चों, बेटी मणि बहन और बेटे दाया भाई को जन्म देने के बाद झवेरबाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है, एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए, एक पुकार है हम सबको। गगनचुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया।
रिइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियरिंग, 4,500 से ज्यादा स्किल्ड फोर्स और 3,000 मानक वेतन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता, और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। आज से ही